नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लौंग की चाय, जी हाँ, लौंग की चाय कितनी फायदेमंद है आपके लिए। सर्दियों का मौसम हिंदुस्तान में सब जगह शुरू हो चुका है और मैं समझता हूँ कि लौंग जो है वो आपके लिए बेहद फायदेमंद है और उसकी चाय आपको अगर बॉडी के अंदर कहीं तकलीफ है तो उसके लिए फायदेमंद है। आपको आलस से आ रहा है तो आप लौंग की चाय पी सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी पाचन क्रिया को ठीक करती है, कफ को ठीक करती है आपके, और सबसे बेहतर यह है कि अगर कभी आपके दांत में भी दर्द होता है तो आप उसकी चाय की हल्की चाय पीते हैं वो अगर आप, तो उससे भी आपके दांतों में आराम मिलता है। अब उसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए करना क्या है आपको कि आपको तकरीबन 5-6 लौंग जो है उसको आप कूट लीजिएगा। जी हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत बारीक भी ना हो और बहुत खड़ी खड़ी भी ना हो, उसको कूट के और आप उसको आराम से एक गिलास पानी में उबाल लीजिएगा। एक गिलास पानी में उसको अच्छे से उबलने दीजिएगा और जब उबल उबल कर वो पानी आधा रह जाए उसको उतार लीजिएगा, ठंडा कर लीजिएगा। और आप चाहें तो उसको नॉर्मली पी सकते हैं, चाहे गर्म पी सकते हैं, चाहे आप उसको फ्रिज में रखकर भी ठंडा करके पी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है, लौंग की जो तासीर है वो सर्दियों के मौसम में आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी होती है। और ये दिन में आप 2-3 बार पी सकते हैं, 2-3 बार में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आपको बताया कि लौंग की चाय कितनी मुफीद है, कितनी फायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके कफ की शिकायत के लिए, आपकी छाती के अंदर बलगम होता है उसकी शिकायत के लिए। तो इन सारी चीजों को दुरुस्त रखने के लिए आपको चाय का इस्तेमाल करना चाहिए और वो भी लौंग वाली, बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। इसका मजा लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा और आपकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता ही है। थैंक यू वेरी मच। हम तो यही कहेंगे शुक्रिया, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।